गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 11। फर्स्ट इज इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। नाउ दीज आर द वर्ड्स आर गिवन एंड यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक्स। ओके, फर्स्ट इज बालासना चाइल्ड पोज इज आर आंसर क्या है, स्लीपिंग और वेस्टिंग पोज। बालासना और चाइल्ड पोज क्या होता है, स्लीपिंग और वेस्टिंग। तो ये दो वर्ड जो है आपको यहाँ पे ब्लैंक्स में पढ़ने हैं। सेकेंड इज इट डैश द ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड सर्कुलेशन को क्या करता है, नॉर्मलाइजेस। ये जो वर्ड है आपको यहाँ फिल करना है, नॉर्मलाइजेस द ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट द बॉडी। थर्ड इज द डैश आर द जॉइंट्स ऑफ द फिंगर। जॉइंट्स ऑफ द फिंगर को क्या बोलते हैं, नकल्स। ओके, नाउ द बी एक्सरसाइज इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। सही के लिए आपको टी लिखना है और गलत के लिए आपको एफ लिखना है। ओके, द नेम बालासना इज ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड्स। लैटिन वर्ड से निकाला गया है, बाला मीन्स चाइल्ड एंड आसना मीन पोज। नो, ये लैटिन वर्ड से नहीं लिया गया है, ये हमारा संस्कृत वर्ड से लिया गया है। तो यहाँ पे जो लैटिन वर्ड लिखा है ये हमारा रॉन्ग है, ये इसकी जगह कहना चाहिए संस्कृत। तो ये इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट हो गई है। द शीन इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द लेग अबव द नी। शीन जो है फ्रंट पार्ट ऑफ द लेग, ये तो सही है, लेकिन अबव द नी नहीं होता, बिलो द नी होता है। तो इसके अंदर अबव जो लिख दिया, अबव लिखने से ये गलत हो गया है। तो ये आपको क्या लिखना है, एफ लिखना है, यहाँ पे गलत हो गया। अगर बिलो होता तो ये सही हो जाता, अबव द नी नहीं होता, बिलो द नी होता है। ठीक है, ओके। थर्ड इज इट हेल्प टू कीप द माइंड काम एंड पीसफुल। माइंड को ये काम और पीसफुल रखने में हेल्प करता है ये वाला आसन, यस ट्रू। ओके, राइट टी फॉर हियर। नाउ द सी इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको ये दो क्वेश्चन जो आपको बुक में करना है, और ये जो सी एक्सरसाइज है ये आपको सी डब्ल्यू कॉपी में करनी है। ओके, और सी डब्ल्यू कॉपी में हमने क्वेश्चन जो है बदल दिया। ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ इज बालासना डन। तो बालासना कैसे किया जाता है, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये आपके लिए नहीं है। इसको हमने चेंज कर दिया, व्हाट इज बालासना पोज। ठीक है, तो आपका ये हाउ इज बालासना डन ये आपका नहीं आएगा, ये आपका नहीं आएगा। ये वाला क्वेश्चन ऐसे, ये वाला क्वेश्चन कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, व्हाट इज बालासना पोज। और ये जो क्वेश्चन है, व्हाट आर शीन एंड नकल, इसको भी हमने दो क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। एक क्वेश्चन में ये लंबा क्वेश्चन हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको दो क्वेश्चन बना दिए हैं। आप कॉपी में देखेंगे, ठीक है, सी डब्ल्यू कॉपी में जैसे किया वैसे आपको लर्न करना है। फर्स्ट इज व्हाट इज बालासना पोज, तो बालासना इज अ रेस्टिंग और स्लीपिंग पोज। सेकेंड इज व्हाट इज शीन, यहाँ पे हमें दिया हुआ है बुक में, व्हाट आर शीन एंड नकल्स। तो हमने इसको ऐसे लिया, व्हाट इज शीन एंड व्हाट आर नकल्स, इसको दो क्वेश्चन बना दिए एक क्वेश्चन को। ओके, ये अलग अलग आएंगे, एक क्वेश्चन में दोनों नहीं आएंगे आपके, ये अलग अलग आएंगे, दो क्वेश्चन में आएगा ये। ओके, व्हाट इज शीन, द शीन इज अ फ्रंट पार्ट ऑफ द लेग बिलो द नी। ठीक है, लेग का जो आगे का पोर्शन होता है घुटने से नीचे, नी से नीचे का जो पोर्शन है, और लेग का सामने का जो पोर्शन पार्ट होता है वो हमारा शिन कहलाता है। व्हाट आर नकल्स, नकल्स क्या होते हैं, द नकल्स आर द जॉइंट्स ऑफ द फिंगर। फिंगर्स के जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम नकल्स बोलते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो है वो सेम है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बालासना। फर्स्ट वन इज कीप द माइंड काम एंड पीसफुल। बालासना जो है माइंड को काम और पीसफुल रखता है। क्योर द पेन ऑफ बैक शोल्डर एंड नेक। बैक शोल्डर कमर का और कंधों का और जो गर्दन का दर्द है उसको वो ठीक करता है। क्योर्स माने ठीक करना। नॉर्मलाइजेस ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसको वो ठीक करता है, नॉर्मल करता है। ओके, नाउ डू दिस क्वेश्चन इन योर सी डब्ल्यू कॉपी। ओके।